नमस्ते टेक्नीशियन मित्रों, आज इस वीडियो में मैं लेज़र मशीन के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैंने लेज़र मशीन के ऊपर काफ़ी स्टडी किया हुआ है। अलग अलग लगभग सभी कंपनियों के मशीन्स मैंने देखे हुए हैं और उसमें अलग अलग सिटी से अलग अलग स्टेट से मुझे मेंटेनेंस के लिए टेक्निकल सपोर्ट के लिए कॉल्स आते हैं, तो मैं उसमें टेक्निकल सपोर्ट भी देता हूँ। तो मैंने हर एक प्रकार के मशीन देखे हुए हैं और उसके फीचर्स को मैंने ऑब्ज़र्व किया हुआ है, तो आज वही फीचर्स के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर हम कोई लेज़र मशीन लेना चाहते हैं तो उसमें क्या चीज़ें हमें ऑब्ज़र्व करनी चाहिए, उसमें क्या फीचर्स जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है काम करने के लिए। तो ये जो है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मशीन की साइज़ की बात करें अगर, तो ये जो रेगुलर मशीन रहता है बड़ा मशीन, वो ऐसे चौड़ाई में तकरीबन 6 फीट होता है और ऐसे लंबाई में अप्रोक्सली 7 फीट जितना रहता है। तो 6 बाई 7 फीट के एरिया में ये सेट होता है। जो मैंने दूसरे छोटे मशीन्स देखे हुए हैं वो वैसे ऐसे चौड़ाई में उसकी बॉडी ऐसे छोटी रहती है, ऐसे लंबाई में तकरीबन 8 फीट जितना अंतर हो जाता है, 8 फीट जितना स्पेस रोकता है और दोनों तरफ दो दो फीट जगह भी रखनी पड़ती है। और हॉरिजॉन्टली ऐसे बॉडी छोटी होती है, लेकिन प्लेटफॉर्म की जो साइज़ है वो ऐसे हॉरिजॉन्टली लंबा है और वो ऐसे मूव करता है, लेफ्ट और राइट मूव करता है। तो जिससे क्या है कि दोनों तरफ भी हमें कम से कम 2-2 फीट स्पेस रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव करता है। इसके कारण उसमें लेज़र हेड जो है वो फिक्स होता है, प्लेटफॉर्म ऐसे मूव करता है, तो वैसे दोनों तरफ से हमें 2-2 फीट जगह रखनी पड़ेगी। तो ओवरऑल मतलब छोटा मशीन और बड़ा मशीन में स्पेस ऑक्यूपाई में करने में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये दोनों में लगभग लगभग सेम जैसा ही स्पेस ऑक्यूपाई होता है। दूसरा, प्लेटफॉर्म की बात करें तो प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर हमने बड़ा पैनल रखा हुआ है, ऐसे साइज़ में 50 इंच या 55 इंच का रखा हुआ है, तो ये जो मशीन की बात करें अगर, तो इसमें ये प्लेटफॉर्म ऐसे वर्टिकली ऐसे मूव करता है और साथ में ये जेड असेंबली जो है वो ऐसे एक्स और वाई डायरेक्शन में मूव करता है। तो अगर हमने बड़ा पैनल यहाँ पे रखा हुआ है और हम ऑब्जर्वेशन के लिए उसमें पैनल रिपेयर करने के लिए क्या होता है कि कभी हमें राइट साइड चेक करना है, कभी लेफ्ट साइड चेक करना है, ऐसा बार बार हमें लोकेशन जो है चेंज करना होगा। तो हम अगर लेफ्ट साइड में अब पैनल ऑब्जर्व कर रहे हैं और हमें राइट साइड में जाना है, तो अगर ये जेड असेंबली जो है लेज़र का हेड है वो अगर मूव करता है तो इजी हो जाता है इसको मूव करके इस तरफ ले जाने में। उसके लिए पैनल एक बार यहाँ पर रख दिया, फिर पैनल को बार बार हिलाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि जो मैंने दूसरे छोटे मशीन्स देखे हुए उसमें क्या होता है कि ये प्लेटफॉर्म को मूव करना होता है, तो पैनल में हमें ये साइड अगर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और फिर इस तरफ जाना है तो या तो ग्लास को ऐसे स्लाइड करना पड़ेगा, लेकिन उसकी बॉडी की जो साइज़ है वो छोटी होने के कारण प्लेटफॉर्म का जो मूवमेंट है उसकी भी एक लिमिट आ जाती है कि एक लिमिट से ज़्यादा हम इसको मूव नहीं कर सकेंगे। तो करना ये होता है कि पैनल को हमें ऐसे उठा के या तो ऐसे लेफ्ट राइट सरकाना होगा या तो पूरा पैनल को ऐसे रोटेट करके घुमा के रखना होगा, तब जाके हम राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट जो है वो ऑब्जर्वेशन के लिए शिफ्ट हो सकते हैं। दूसरा, उसमें जो वर्टिकल मूवमेंट करना है, यानी कि हम यहाँ पे ये कॉर्नर पे अगर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, टॉप कॉर्नर पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और यहाँ पे हमें लेफ्ट डाउन कॉर्नर में ऑब्जर्व करना है, तो इसमें हम ये लेज़र को मूव कर सकते हैं, लेंस को मूव कर सक करके आगे लेके आ सकते हैं। लेकिन जो मैंने दूसरे मशीन्स देखे हुए हैं छोटे मशीन, उसमें ये ग्लास जो है वो एक लिमिट से ज़्यादा ऐसे मूव नहीं हो सकता है। अगर बड़ा पैनल रखा हुआ है तो इतना लॉन्ग ट्रैवल नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा कि ये पैनल जो है उसको हमें या तो पूरा ऐसे घुमा के रखना पड़ेगा, तब ये कॉर्नर जो है वो अदर साइड में जाएगा और फिर हम उसको ऑब्जर्व कर सकेंगे। तो ये जो है वो कंफर्टेबल नहीं है। मैंने पंजाब में एक मशीन देखा हुआ था जो छोटी साइज़ का था, प्लेटफॉर्म छोटा था और तकरीबन उसका जो मूवमेंट है वो 1 फीट या 2 फीट से ज़्यादा वो मूव नहीं हो सकता था। मतलब यहाँ से आपको यहाँ तक ही ऑब्जर्वेशन मिल सकता है, फिर अगर यह इस तरफ ऑब्जर्वेशन करना है तो पूरा पैनल को ऐसे रोटेट करना पड़ता था, जो कि काफ़ी अनकन्वीनियंट रहता है, क्योंकि बड़ा पैनल यहाँ पर रखा हुआ है तो हम बार बार उसको हिला नहीं सकते, उससे स्क्रैच हो सकते हैं या तो
अगर कोई मिस ऑपरेशन हो गया तो पैनल टूट सकता है, तो ये सारा थोड़ा रिस्क रहता है उसमें। अगर लेज़र हेड मूव करता है तो वो कंफर्टेबल हो जाता है, एक बार पैनल रख दिया फिर इसको कोई हिलाने की ज़रूरत नहीं है। ग्लास मूव कर सको या तो जेड असेंबली मूव करके हम कहीं पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब हम पैनल ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम कोई एक लोकेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं कि यहाँ से हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, और उसका प्लेटफॉर्म का मूवमेंट का अगर लिमिट ख़त्म हो गया तो हमें पैनल घुमाना पड़ेगा। तो पैनल जब हम घुमाएंगे तो ये लोकेशन जो है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जब घुमाने के बाद अगेन हमें पहले से शुरू करना पड़ेगा कि जो भी ऑब्जर्वेशन हमने किया है वो टाइम वेस्ट होगा, और पहले से वापस स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये एक काफ़ी अनकन्वीनियंट होता है, क्योंकि पैनल जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तब काफ़ी बार हमें मूवमेंट करनी होती है, कभी टॉप कॉर्नर, डाउन कॉर्नर, कभी लेफ्ट साइड, राइट साइड। तो ये अगर बार बार पैनल मूव करना पड़ा तो ये लोकेशन जो है हर बार डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये बिल्कुल अनकन्वीनियंट रहता है। ये जब मैंने इसके ऊपर काम किया तब मुझे पता चला कि ऐसे काम करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। एक 5 मिनट का जो काम रहता है उसमें 15 मिनट निकल जाते हैं। दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट फीचर मैंने नोट किया है सब मशीन को कंपेयर करते हुए, कि ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है, ये जो असेंबली है पूरा, उसमें नीचे से एयर सस्पेंशन होने बहुत ज़रूरी है। जो इसमें यहाँ पे कॉर्नर में, चारों कॉर्नर पे एयर सस्पेंशन लगे होते हैं, वो होने बहुत ज़रूरी है। वो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है। अगर एयर सस्पेंशन नहीं है तो पैनल जो है जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो स्क्रीन पे काफ़ी वाइब्रेशंस फील होगा। ऐसा मैं छोटे मशीन्स में देखा हुआ है कि उसमें एयर सस्पेंशन नहीं होते हैं, जिसके कारण काफ़ी वाइब्रेशन आता है। खास करके जब ऊपरी मंजिल पे रखा हुआ है मशीन तब ये वाइब्रेशन कुछ ज़्यादा ही फील होता है। तो ये एयर सस्पेंशन जो है वो भी एक पॉजिटिव फीचर है, वो बहुत ज़रूरी है। मशीन के जितने भी मूविंग स्पेयर्स है, मूविंग असेंबलीज है, जैसे एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन असेंबली जो है, वो सारा कवर्ड होना ज़रूरी है। क्योंकि ये कवर्ड नहीं रहा तो उसका जो बॉल स्क्रू है, LM गाइड है, बैरिंग्स है, उसके ऊपर काफ़ी सारा डस्टिंग जमा होगा, और डस्टिंग जमा होने के कारण वो जामिंग, थोड़े ही टाइम में जामिंग फील होगा उसमें, और एकदम जाम घूमेगा, हैवी नॉइज़ आएगा, और जामिंग के कारण आपको स्क्रीन में भी उसका वाइब्रेशन फील होगा। मैंने महाराष्ट्र में एक मशीन देखा हुआ था कि इसमें ये पूरा असेंबली जो है, ये एक्स और वाई असेंबली पूरा खुला हुआ था, यानी LM गाइड सीधा सीधा बाहर ही रहता है, तो उसमें जो भी हम लुब्रिकेशन करते हैं उसमें काफ़ी सारा डस्टिंग जो है वो जमा हो गया था, और इसमें मूव करते हैं तो इतना नॉइज़ आता है कि मतलब काफ़ी हैवी नॉइज़ आता है, और स्क्रीन में उतना वाइब्रेशन ज़्यादा फील होता है क्योंकि ये जाम घूम रहा है तो वाइब्रेशन आता है। दूसरा, उसका मोटर के ऊपर लोड आएगा तो उसके कारण उसका ड्राइव जो है वो ख़राब होने का चांसेस रहता है। कुछ दूसरे सस्ते और छोटे मशीन्स में मैंने एक और एक चीज़ देखी हुई है कि ये जो टर्न टेबल रहता है जो कि लेंस को स्विच करता है, वो मोटराइज्ड नहीं होता है। जैसे कि इसमें हम मोटराइज्ड स्विचिंग कर सकते हैं, बटन दबाने से ये मोटर से वो लेंस स्विच होता है, क्योंकि हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तब हमें बार बार लेंस को स्विच करना होगा। पहले 5x में हमने प्राइमरी ऑब्जर्वेशन किया, फिर 10x में ऑब्जर्व किया, और फाइनल जब कटिंग करना है तो 20x में जाके हाई जूमिंग पे रह के फायर करना होता है। तो ये लेंस को जो है बार बार रोटेट करना होता है, स्विच करना होता है। तो अगर मोटराइज रहा तो ये कन्वीनियंट रहेगा, नहीं तो अगर हाथ से ऐसे घुमाने जाएंगे तो ये कंफर्टेबल नहीं आता। ऐसे बार बार हाथ से घुमाना कन्वीनियंट नहीं है, और ख़ास करके जब हम इसका ऑपरेशन जो है ऐसे डिस्टेंस पे कर रहे हैं तब बार बार खड़े होकर ऐसे घुमाने, हाथ से घुमाने में कंफर्ट नहीं होता है, और ऐसे हाथ से घुमाने में, बार बार घुमाने से वो वहाँ पे प्ले भी आ जाएगा, कुछ टाइम के बाद गियर्स में प्ले आ जाएगा। तो ये जो फीचर है वो भी एक इम्पोर्टेंट फीचर है कि इसमें मोटराइज्ड टर्न टेबल होना काफ़ी ज़रूरी है। लेज़र मशीन के साथ उसका कूलिंग सिस्टम आता है जिसको चिलर कहते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है लेज़र मशीन के लिए। ये लेज़र को ठंडा करने का काम करता है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। इसमें हम मशीन का कॉस्ट कम करने के लिए इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जैसे कि इसमें एकदम क्लीन होना चाहिए, ये प्लास्टिक बोतल के साथ जो वाटर टैंक है वो प्लास्टिक टैंक होना चाहिए, जिससे कि इसमें कोई जंक ना लगे, और एकदम साइलेंट है ये काम करने के टाइम पे। ये अभी चालू है लेकिन उसमें कोई नॉइज़ नहीं आएगा, एकदम साइलेंट वर्क करता है। तो ये एक तो डिस्टर्ब नहीं करेगा हमें काम करने के टाइम पे, फोकस बना रहेगा। दूसरा, इसमें कुछ मशीन्स में मैंने देखा हुआ है कि ये काफ़ी नॉइज़ करता है, उसका पंप जो रहता है बहुत हैवी नॉइज़ करता है, और दूसरा कि उसमें
वाटर टैंक जो है वो मेटल का यूज़ किया हुआ होता है, जिसके कारण उसमें जंक लग जाता है। तो दो दिन के बाद ही ये पानी पूरा रेड हो जाता है, लाल हो जाता है, जंक वाला हो जाता है। तो ये लेज़र को बहुत ही नुकसान पहुंचाएगा। अगर ऐसा जंक वाला पानी जो है लेज़र में अंदर जाता है तो वो काफ़ी ख़राब करेगा लेज़र को, और कुछ ही दिनों में लेज़र जो है वो परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। तो ऐसा मैंने यहाँ पे कोलकाता में एक मशीन मैंने रिपेयर किया हुआ था, जिसमें ये मैंने देखा कि उसमें पानी जो है बहुत गंदा हो गया था। तो मैंने उनको पूछा भी, ये पानी आप चेंज नहीं करते? वो बोले दो दिन पहले ही चेंज किया है, लेकिन ये जंग के कारण इतना ख़राब हो गया था कि उसमें फिर लेज़र मशीन जो है वो ख़राब हो जाएगा, लेज़र सोर्स जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये फीचर भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि चिलर जो है वो अच्छा होना चाहिए, जिससे लेज़र की लाइफ जो है वो एक्सटेंड होती है। क्योंकि लेज़र को अगर प्रॉपर कूलिंग सिस्टम नहीं मिला, या तो उसका जो अलाइनमेंट है, यानी कि इसमें जो भी मिरर्स होते हैं उसका प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है, तो लेज़र जो है पूरी तरह से परफॉर्म नहीं करेगा। और एक चीज़ मैंने नोटिस की हुई है कि काफ़ी मशीन्स में ये लेज़र का जो अलाइनमेंट है वो बराबर नहीं होता है, वो प्रॉपर तरीके से अलाइन नहीं किया होता है, जिसके कारण क्या होता है कि लेज़र का जो पूरा परफॉर्मेंस है वो पूरा परफॉर्मेंस से काम नहीं करता है। और अच्छे से काम नहीं करता है तो ऑपरेटर क्या करता है कि एनर्जी उसका हैवी वैल्यू पे, हाई वैल्यू पे सेट कर देता है, यानी कि लेज़र का मैक्सिमम पावर जो है वो पहले से ही यूज़ करने लगता है। तो उससे क्या होगा कि जो लेज़र का लाइफ साइकिल है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लेज़र जो है वो अगर पहले से अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, उसका 100% पावर जो है वो यूज़ हो रहा है, तो हमें स्टार्टिंग में कम पावर से ही इसको काम कर सकेंगे। बट अगर वो प्रॉपर अलाइन नहीं है, या तो उसका कूलिंग सिस्टम बराबर नहीं है, तो लेज़र पूरी तरह से परफॉर्म नहीं करेगा, और परफॉर्म नहीं करेगा तो हम उसको हाई पावर पे सेट करेंगे। अगर हाई पावर से ही पहले से काम करने लगे तो कुछ ही टाइम में उसका लाइफ साइकिल जो है वो ख़त्म हो जाएगा लेज़र का, और वो अगेन बड़ा खर्चा आएगा उसमें, बराबर है? तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका अलाइनमेंट जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, जो कि काफ़ी मशीन्स में मैंने देखा हुआ है कि वो सही नहीं होता है, या तो काफ़ी सारा डस्टिंग अंदर जमा होता है जिसके कारण वो परफॉर्म नहीं करता। मैंने कोलकाता में एक मशीन रिपेयर किया हुआ था जिसमें ये अलाइनमेंट भी बराबर नहीं था, ऐसे में जो बताया कि उसका पानी जो है बहुत गंदा पानी लेज़र के अंदर जा रहा था, और वो पर्सन जो है वो ऑपरेटर जो है काफ़ी हाई पावर पर काम कर रहा था। तो मैंने जैसे उसको बोला कि पावर इतना मत रखो, तो बोले नहीं इसने में ही काम होगा। तो ऐसे काम करते करते ऐसा हुआ कि उसमें माइक्रोस्कोप का लेंस जो है वो अंदर का जो माइक्रोस्कोप के अंदर जो लेंसेज होते हैं उसमें बर्न हो गया, तो वो लेंस बदलने के लिए पूरा माइक्रोस्कोप एक बार चेंज करना पड़ा, तो वो एक तरह से काफ़ी खर्चा हो जाता है उसमें। तो ओवरऑल मेरा सभी टेक्नीशियन मित्रों को ऐसा सजेशन है, ऐसी एडवाइस है कि अगर हम लेज़र मशीन ले रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो काफ़ी सोच के करना चाहिए। हमें ऐसा मशीन सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें ये सारे इम्पोर्टेंट फीचर्स अवेलेबल हो, जिससे हमें काम करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। और जो हमारा टारगेट है कि भाई दिन के हमें 20 पैनल निकालने हैं, 20 पैनल रिपेयर करने हैं, तो बहुत इजीली रिपेयर हो जाएंगे, बराबर। लेकिन अगर हमने छोटा सस्ता मशीन लिया हुआ है जिसमें फीचर्स इतने नहीं है, तो होगा ये कि हमारा फोकस काम करने में नहीं रहेगा, इन्हीं चीज़ों पे सब फोकस बना रहेगा कि ये घुमाना है, ये ऐसे सेट करना है, ये करना है, पैनल घुमाना है, तो इसमें हमारा काम जो करने में फोकस नहीं रहेगा। और उसी चक्कर में हमारा जो टारगेट है कि दिन के 20 पैनल निकालने हैं, वो 5 पैनल मुश्किल से निकलेंगे, और उसमें भी अनकन्वीनियंसी फील होगी। तो अभी मान लीजिए वो मशीन हम सस्ता पड़ता है, 1.5-2 लाख सस्ता पड़ता है, लेकिन कुछ ही समय के बाद उसमें मेंटेनेंस अगर शुरू हो जाता है तो वो ओवरऑल हमें महंगा ही पड़ता है। हमारा टारगेट ये है कि अच्छा मशीन लेके उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैनल रिपेयर करके हमें जल्दी से उसका जो इन्वेस्टमेंट किया है वो निकाल लेना है, और प्रॉफिट अर्न करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। तो अगर अच्छा मशीन रहेगा तो ये हम थोड़े ही टाइम में ये प्रॉफिट करना शुरू कर देंगे, लेकिन अभी सस्ता मशीन लेके उसमें अगेन कुछ ही टाइम में मेंटेनेंस करके फिर वो ओवरऑल महंगा ही पड़ेगा। सो आई होप कि ये जानकारी जो है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। और भी अगर कुछ जानकारी लेना चाहते हैं लेज़र मशीन के बारे में, या तो लेज़र के ऊपर कौन कौन सी पैनल रिपेयर होती है, कैसे फॉल्ट रिपेयर होते हैं, तो आप मेरा नंबर इसमें दिया हुआ है, वो नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके सारी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।